हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभय और आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि पटना में हम लोग चैती छठ पूजा कैसे मना रहे हैं, और आपको मैं सारा वीडियो के माध्यम से शो करूंगा। जो चैती छठ पूजा हम लोग मना रहे हैं, ये कच्ची तालाब गर्दनी बाग पटना में ये तालाब है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है गाइज। मैं सुबह सुबह ही यहाँ पे आ गया था, और मेरे आने के बाद मैंने देखा था यहाँ पे हमसे पहले ही बहुत सारे श्रद्धालु आ चुके थे। और आप देखिए, ये अभी रोड में भी बहुत सारे श्रद्धालु अभी आ रहे हैं। अभी अर्घ देना स्टार्ट नहीं हुआ, सूर्य भगवान अभी निकले नहीं थे। जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह की, ये 5:30 बजे का मैं आपको दिखा रहा हूँ, टाइम 5:30 बजे हुआ है। और ये आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये सूर्य मंदिर है। इसी सूर्य मंदिर के नाम से ये कच्ची तालाब जाना जाता है, जो गर्दनी बाग में स्थित है। सूर्य भगवान का यहाँ पे बहुत ही भव्य प्रतिमा है यहाँ पे, वो मैं आपको शो करूँगा, और पहले भी वीडियो में मैं शो कर चुका हूँ। तो चलिए चल के देखते हैं घाट की तरफ, वहाँ पे क्या व्यवस्था है। जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं, घाट की तरफ अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और भीड़ धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाइट की पूरी व्यवस्था थी। कल शाम से ही पूरा लाइट ये रात भर लगा हुआ था यहाँ पे। और देखिए, सभी अपने अपने जो सूप हैं, ये दौरा हैं, सभी अपने अपने घाट पे जो ला कर के ये छेक लिए हैं, और बस सूर्य भगवान के निकलने की प्रतीक्षा हो रही है। जैसे ही सूर्य भगवान दिखाई देंगे तो श्रद्धालु लोग जो है, हम लोग अर्घ देना स्टार्ट करेंगे। अब जैसा देख रहे हैं, जो व्रती लोग हैं वो नहा करके रेडी है सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। अब देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। आस्था का पर्व है, महापर्व है छठ पूजा, जो कि सभी लोग दिल से मनाते हैं, पूरे बिहारवासी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग कहीं भी हो, बिहार से बाहर कहीं भी काम करते हो, लेकिन छठ पूजा में वो अपने घर वापस ज़रूर आते हैं छठ पूजा मनाने के लिए। यहाँ तक कि छठ पूजा के समय जो रेलवे जो है, कितनी सारी गाड़ियाँ की सर्विस ज़्यादा बढ़ा देती है बिहार के लिए। आप ये देख पा रहे हैं गाइस, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। आप देखिए घाट के चारों तरफ, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। ये आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, मैं आपको उधर सामने की तरफ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए ये देखिए चारों तरफ आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और अब कुछ ही क्षण में सूर्य भगवान दिखाई देने वाले हैं। जैसे ही दिखाई देंगे, जो श्रद्धालु लोग हैं वो अर्घ देना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं गाइज, मैं चारों तरफ आपको शो कर रहा हूँ कि कितने सारा श्रद्धालु लोग हैं। उजाला भी धीरे धीरे होता जा रहा है, लेकिन सूर्य भगवान अभी निकले नहीं हैं। कुछ ही क्षण में सूर्य भगवान निकल जाएंगे, तो फिर अर्घ दिया जाएगा भगवान को। तो देखिए श्रद्धालु लोग इंतजार ही कर रहे हैं अभी तक, आप देख सकते हैं गाइस कितनी ज्यादा भीड़ है। लोगों के अंदर छठ पूजा के प्रति कितनी ज़्यादा आस्था है आप देख सकते हैं। ये भीड़ ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे ही दिखा रहा हूँ, ये पूरे बिहार में आपको ऐसा ही भीड़ हर तालाब में, हर नदी में आपको दिखेगा। गंगा किनारे इतना ही भीड़ दिखेगा, इससे कहीं ज़्यादा ही भीड़ दिखेगा आपको। We'll be right back.
तो दोस्तों देखिए, फाइनली जो है सूर्य भगवान निकल चुके हैं और अर्घ्य देना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं, भक्तजन जो हैं वो अर्घ्य दे रहे हैं सूर्य भगवान को। ये छठ पूजा का आखिरी अर्घ है। दूसरा अर्घ जो कि सुबह का अर्घ है, जिसे तारण कहते हैं, विस्तार का दिन कहते हैं, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये अभी अर्घ देने के बाद जो व्रती हैं, जो व्रत की हुई हैं, वो पूजा के बाद जो अर्घ देने के बाद वो प्रसाद खा करके अब आज से कुछ भी खा सकती हैं। उनका व्रत आज ये अर्घ देने के बाद ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कितने सारे लोग अर्घ दे रहे हैं और भीड़ कितनी ज़्यादा है, आप देख पा रहे हैं। मैं आपको घाट की वीडियोस दिखा रहा हूँ, मैं पूरी तरह की से जो चारों तरफ की मैं वीडियोस दिखा रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप बिहार से बाहर हैं तो ज़रूर आपको फील आएगा कि कम से कम हम वीडियो के माध्यम से बिहार को देख रहे हैं, बिहार का जो छठ पर्व है उसको देख पा रहे हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहें। जो व्रती हैं वो देखिए महिलाओं को सिंदूर लगा रही हैं और इसी से जो लड़के लोग हैं, जो मेल पर्सन, उनको भी टीका लगाया जाएगा। वीडियो में बने रहें, मैं पूरी घाट की आपको वीडियो शो करूंगा। यहाँ कच्ची तालाब के बाद मैं आपको पटना का फतुहा घाट का भी मैं आपको वीडियो शो करूंगा कि पटना का फतुहा घाट में कैसे वहाँ पे पहली अर्घ दूसरी अर्घ जो है सुबह का अर्घ वो कैसे वहाँ पे मनाया जा रहा है। तो वीडियो में ज़रूर बने रहें। यहाँ कच्ची तालाब के बाद फिर हम फतुहा चलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग अभी भी पूजा कर रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं और पूजा करके जा भी रहे हैं। सारा मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो में लगातार बने रहिए। जैसा कि देख पा रहे हैं सूर्य भगवान जो है पूरी तरह से अब बाहर आ चुके हैं
ऊपर आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं सूर्य भगवान को नमन करते हैं हम लोग। देखिए आप श्रद्धालु लोग सूर्य भगवान को देख करके अर्घ दे रहे हैं। चारों तरफ जितनी भी भीड़ आपको दिख रही है, ये तालाब के किनारे किनारे सारे श्रद्धालु लोग भरे पड़े हैं अर्घ देने के लिए। ये दूसरी अर्घ जो है सुबह की अर्घ आप देख पा रहे हैं। ये चारों तरफ कितनी ज़्यादा भीड़ है श्रद्धालु लोग की, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और अब धीरे धीरे लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, जिनका जिनका पूजा हो चुका है। अब लोग धीरे धीरे अपना जो सूप है दौरा है वो बांधेंगे और बांध करके अपने सिर पे रख करके वापस जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी भी बहुत सारे लोग अभी भी पूजा कर ही रहे हैं। जो लेट आए वो पूजा अभी भी कर रहे हैं और जो सुबह जल्दी आए वो पूजा कर चुके हैं। बहुत सारे लोग आप देख पा रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का पूजा जिनका हो गया वो अपने अपने सूप वापस रख रहे हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहें, मैं अभी अभी आपको और भी वीडियोस दिखाऊंगा। अभी बाकी है पिक्चर, अभी बाकी है। तो गाइस जब हम लोग कच्ची तालाब से विदा लेंगे तो चलिए चलते हैं, जाते जाते सूर्य भगवान का थोड़ा दर्शन कर लें मंदिर में और गणेश भगवान का भी दर्शन हम लोग करेंगे। तो चलिए चलते हैं, भगवान का दर्शन करें हम लोग और आप भी कीजिए। तो कहिए सूर्य भगवान की जय। आप देख सकते हैं सूर्य भगवान सामने विराजे हुए हैं। यही वो मंदिर है जिसकी मैंने आपको बताया था, सूर्य मंदिर कच्ची तालाब गर्दनी बाग पटना। कभी आने के बाद आप जरूर इस मंदिर में आके घूम सकते हैं, बहुत अच्छी मंदिर है। और अब चलिए गणेश भगवान का दर्शन करते हैं, गणेश जी का। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मौर्य। देखिए मंगल मूर्ति जो है वो सामने विराजे हुए हैं। इसी सूर्य मंदिर के जस्ट बाएं में ये गणेश जी विराजे हुए हैं, इसी कैंपस में है ये मंदिर। अब जैसा कि देख पा रहे हैं गणेश भगवान अंदर विराजे हुए हैं। तो गाइज चलिए अब चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं फतवा की तरफ। और फतवा का मैं आपको वहाँ का
वीडियो शो करूँगा वहाँ पे छठ पर्व कैसे मना रहे हैं लोग। तो वीडियो में बने रहें। फतुहा पटना चलते हैं और चलकर देखते हैं फतुहा का कैसा वहाँ पे मनाया जा रहा है। गाइस वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन अंत तक जरूर बने रहें। तो गाइज अब आप ये फतवा का वीडियो देख पा रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं हमारा एक मित्र है अविनाश, उन्होंने हमें शेयर किया व्हाट्सएप पे और ये वही वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं ये फतवा का वीडियो है। ये रंगोली बना हुआ है घाट की तरफ जाने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फतुहा घाट का नज़ारा, वहाँ पे कैसा व्यवस्था है छठ के लिए, छठ पूजा के लिए। तो चलकर देखते हैं। वीडियो में बने रहे गाइज, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फतुहा घाट का दृश्य शो करूँगा। तो फतुहा घाट पे पहुंच चुके हैं और पूजा की तैयारियां अब चल रही है घाट पे। जैसा कि देख पा रहे हैं वहां तो तालाब था, कच्ची तालाब गर्दनीबाग का मैंने जो दिखाया था आपको, ये गंगा है। ये गंगा के किनारे जस्ट यहां पे श्रद्धालु लोग यहां पे आते हैं हर साल। जहां जहां गंगा है वहां पे जाते हैं लोग छठ पूजा बनाने के लिए। जैसा कि देख पा रहे हैं ये गंगा जी के किनारे कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये फतुहा पटना गंगा किनारे के में आपको दृश्य दिखा पा रहा हूँ। वीडियो में लगातार बने रहिए। ये देखिए गंगा नदी में कुछ लोग तैर रहे हैं। जिनको तैरना आता है वही तैर रहे हैं। और अब यहाँ पे भी पूजा स्टार्ट होने ही वाला है। ये जो बांस आप देख रहे हैं गाइस, ये सुरक्षा के लिए लगाया गया है। बांस के उस पार जो है वो डेंजर जोन है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी जो पूजा की जो दौरा सूप वगैरह है यहाँ पे सज के तैयार है पूजा के लिए। ये देखिए नौ से जो है कुछ लोग गंगा दर्शन कर रहे हैं और साथ में छठ पूजा का दृश्य का भी लुत्फ उठा रहे हैं नाव में बैठकर। तो गाइज अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आ पाऊँ। तो गाइज अब हम लोगों का यहाँ फतुहा घाट से भी विदा लेने का वक्त आ चुका है। तो अब हम लोग फतुहा घाट से विदा लेंगे और आपको अगले वीडियो के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं जल्द ही आपके लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तो न्यू वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। Thanks for watching our YouTube channel Ved Vedu. तो
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।